चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं यूट्यूब लाइव भी आ चुका हूं और सॉफ्टवेयर में भी आ चुका हूं फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे हो और मैं भी रिकवर हो रहा हूं सो दोस्तों गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा यस तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो दो मिनट में मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ माय सी ए विशाल भट्ट फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी सो दोस्तों आ, आज हमारा लेक्चर ज़ीरो ज़ीरो है फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस सी ए फाइनल तो आपके लगभग सारे क्लासेस जो है ख़त्म होने में हो गए स्पेशली ग्रुप वन के और अब आप जो है क्लासेज ग्रुप टू के जिसमें डी और आई इसकी प्लानिंग कर रहे हो गए तो यस आप मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग में डीटी का क्लास लगाया हुआ है बावर सर का और इवनिंग में मेरे साथ डेली बेसिस पे लाइट मोड में हम आईडीटी करने वाले हैं और वो वन एंड हाफ आवर चलेगा मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है यस जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है यूट्यूब पे पहले दो तीन सेशन डेमो लेक्चर रहेंगे इसलिए जो भी सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड है तो वो स्टूडेंट जो है यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर में तो वो यूट्यूब पे शिफ्ट हो सकते हैं थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पर यह हमारा लेक्चर चालू है वेरी गुड सबको आवाज क्लियर है बेटा चलो यहां पे। सो so, uh, बेटा ये लेक्चर ज़ीरो ज़ीरो है आज के लेक्चर में मैं आपको एक कंप्लीट यहाँ पे जानकारी दूँगा रिगार्डिंग टू अवर क्लास ड्यूरेशन बहुत सारे आपके डाउट्स क्वेश्चन हो गए तो हमारा क्लास आने वाले टाइम में कैसा चलने वाला है किस तरह से हम कवर करने वाले हैं पूरा आई का सिलेबस मार्क्स अलोकेशन कैसा होता है एंड ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं ये क्वेश्चंस मटेरियल्स रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस जो है बेटा मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हुए है तो हाँ हाँ हा, जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे कनेक्टेड है जो भी टू स्टूडेंट यूट्यूब पे कनेक्टेड है या सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड है थोड़ा यहाँ पे पूरा समझ लीजिएगा पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा फिर आपके जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो गए वो डाउट्स और क्वेश्चंस में आगे लूँगा सो so, दोस्तों जहाँ तक है सबसे पहला क्वेश्चन आपका ड्यूरेशन से रिलेटेड होगा डेफिनेटली इसके बारे में भी हम बात करेंगे पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आ, कि कब तक का कंप्लीट होगा कंप्लीशन डेट के बारे में भी आप जो है आपके सवाल हो सकते हैं तो ड्यूरेशन जो है आ, कितना रहेगा बैच का आ, उसके बाद में कंप्लीशन डेट क्या होगी बैच की हम इसके बारे में भी बात करेंगे फिर आपको कंप्लीट डाउट सपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिलेगा ओके okay. उस नेक्स्ट आपको मटेरियल कैसे मिलेगा और जब तक आपको मटेरियल की फिजिकल कॉपी नहीं आती है तब तक आपको सपोर्ट कैसा रहेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट अगर आप बात करें बेटा तो अमेंडमेंट्स आपकी जो है मे ट्वें आप अगर मे ट्वेंटी फाइव एग्जाम के लिए अपियर्ड होने वाले हो तो अमेंडमेंट्स कैसे कवर होगी नवंबर ट्वेंटी फाइव के लिए अपियर्ड होने वाले हो तो कैसे आपकी अमेंडमेंट्स कवर होगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन बिटवीन क्वेश्चन मत कीजिएगा ओके आपके क्वेश्चन मेरा एक बार कंप्लीट होने दो फिर उसके बाद में मैं आपके डाउट्स और क्वेश्चन एंटरटेन करूँगा डोंट वरी मैं बैठा हूँ आपको आपको मेरे तरफ से पूरी सर्विस मिलेगी पूरा सपोर्ट मिलेगा ये मेरी गारंटी है उसके बाद में आईडी का पोर्शन स्पेशली जीएसटी का पेपर फाइव का तो हम कवर करने वाले हैं पेपर सिक्स में जो जीएसटी का पोर्शन आता है यहां पे अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स का था तो ये भी हम कैसे कवर करने वाले हैं सो दैट आपको पेपर सिक्स में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना भी जीएसटी वाला पार्ट है वो जीएसटी वाला पार्ट हम कैसे कवर करेंगे इसके बारे में भी वो आज हम कंप्लीट बात करेंगे उसके बाद में ओके okay, आपको लाइव सेशन जो स्टूडेंट मेरे साथ लाइव सेशन कर रहे हैं ओके लाइव सेशन के साथ साथ उनको बैकअप भी मिलेगा रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे और जो स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डेड अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखना चाहते हैं ओके okay, तो वो अकॉर्डिंगली कैसे देख सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे उसके बाद में मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने मॉर्निंग में डीटी का क्लास लगाया होगा तो नो no डाउट आपका डी टी क्लास फिर आपका ऑफिस जो है और उसके बाद में आई डी को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है जैसे मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी कहा कि आपको आई के लिए यहाँ पे डेढ़ से पौने दो घंटा मुझे देना है और लाइट मोड में डीटी के साथ साथ ही हम आईडीटी कंप्लीट कर लेंगे और इतना अच्छे से कवर करेंगे कि आप रियली really बहुत एंजॉय करोगे उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी ओके तो वो कवर कर ली जाएगी हाँ कुछ स्टूडेंट्स ये देख रहा हो कि, कि सर कॉल का रिस्पांस नहीं मिल रहा है सपोर्ट की वजह से हाँ बेटा अभी क्या था कि बहुत ज़्यादा इंटर और फाइनल दोनों की क्योंकि इंटर के क्लासेस चालू हुए हैं तो बहुत ज़्यादा लोड था हमारे टीम पर लेकिन अब हमारी टीम फ्री हो चुकी है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाता है तो डोंट वरी मैं बैठा हो आज आखिरी में आपको मैं बताऊंगा कि आपको सपोर्ट पोर्ट कैसे मिलेगा साथ साथ में जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा उसमें एक एक जानकारी हमने दिया है और आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हमने गूगल फॉर्म दिया हुआ है तो गूगल फॉर्म में जो है आ, कि आप फिलअप कीजिएगा आपको आ, कल आफ्टरनून तक पूरा सपोर्ट कर दिया जाएगा तो चलिए दोस्तों ये ये जो भी आपके सारे क्वेश्चन हैं मैंने कवर कर लिए इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वो सारे क्वेश्चन मैं जो है एंड में कवर करूँगा तब तक ओके मैं जब कहूँ तब वही डाउट आपने पूछना है तभी डाउट आपने पूछना है ओके इन बिटवीन अगर आप डाउट पूछोगे तो स्क्रॉल हो जाएगा क्योंकि अभी मेरा पूरा ध्यान जो रहेगा वो यस uh, yes, पढ़ाने पे रहेगा और आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है लेक्चर जीरो जीरो है तो इसमें हम इसके बारे में ही कंप्लीट बात करने वाले हैं सो ओके यहां पे आर यू रेडी यस और नो अरे बोलिए भाई रेडी हो तो चलिए दोस्तों क्लास की जब भी शुरुआत होगी तो आपको मेरे साथ ये जो uh, कुछ वर्ड्स है जो पॉजिटिव वर्ड्स है हर रोज बोलना है इससे एक अलग एनर्जी आएगी और आपकी सोच में एक पॉजिटिवनेस आएगा डेफिनेटली आपको डेली पढ़ाई के लिए और एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है मेरे साथ आप कहोगे एक लंबी सांस लो हलिया सभी ने लंबी सांस यस और नो और कहो जो भी हुआ कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा कहो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करने इस बार आईडीटी में में पार। बार तो इसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है कहा सबने मेरे साथ कहा सभी ने कहा जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा अच्छा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करने तो इस बार आईडीटी में अस्सी पार डेफिनेटली जरूर मिलेगी आपको आई में अस्सी पार ओके okay, क्यों क्योंकि यहाँ हम पढ़ेंगे उसको इस तरह से और आई स्कोरिंग है पढ़ेंगे हम उसको इस तरह से कि आप वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप में इसको ले सकते हो वेरी गुड वेरी गुड ये बात तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर मेरे पास से किया था सी ए इंटर जो है मेरे पास से आईडीटी पढ़ा था जीएसटी पढ़ा था आ, वो आई हाँ कुछ एब्रीवेशन आपको टाइप करना है सो दैट so हमारा लेक्चर इंटरेक्टिव हो तो आपको आई टाइप करना है जो भी स्टूडेंट ने मेरे से किया हुआ है तो आपको आई आई मतलब इंटर तो टाइप करना है वेरी गुड अरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं अरे कोई बात नहीं जस्ट पूछ रहा हो कि कितने स्टूडेंट्स ने किया है ओके वेरी गुड वेरी गुड कोई बात नहीं नहीं किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते जिन्होंने यहाँ पे मेरे पास से किया पर मैं आपको ही बता दूँ आपने क्लास मेरे पास से किया हो या ना किया हो uh, हम आई जो पढ़ेंगे यही बेस पे पढ़ेंगे कि आपको जो है इंटर में जितना भी नॉलेज मिला होगा लेकिन फाइनल के लिए जो जरूरी है वो पूरा नॉलेज मेरी तरफ से मिलेगा और मेरे 22 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो ओके okay, यानी बस इतना समझो कि आपका आईडीटी डी फेवरेट सब्जेक्ट बनने जा रहा है और डेफिनेटली बनेगा ये क्लास कंप्लीट होने के बाद तो चलिए दोस्तों आ, हम बात करते हैं अब okay, ओके हमारा सिलेबस कैसे होगा क्या होगा तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर सी ए सी एम फाइनल हाँ तो जो स्टूडेंट यहाँ पे सी कर रहे हैं या जो सी कर रहे हैं उनके लिए भी सेम सिलेबस है सेम कंटेंट है और सेम लेक्चर्स उनको यहाँ पे के okay, दिए जाएंगे हाँ सी एम एस स्टूडेंट्स के लिए कुछ कम ज़्यादा टॉपिक है तो अकॉर्डिंगली वो लेक्चर मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको आप अगर सी एम ए स्टूडेंट हो तो अकॉर्डिंगली जो है आपको लेक्चर्स प्रॉपरली आपके लॉग इन में अपलोड कर दिए जाते हैं तो वो आपको मिल जाएगा हम आखिर में बात करेंगे सी एम ए स्टूडेंट्स से रिलेटेड सो so, चलिए <coughs> सबसे पहले बात करेंगे आपको हम हाँ एक बात मैं आपको कह दूँ कि आपको नोट्स uh, हमने डिस्पैच कर दी है ट्वेल्थ को और ये नोट्स आपको मिल गई होगी या एक दो दिन में मिल जाएगी कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नोट्स मिल चुकी है अगर मिल चुकी है तो यहाँ पे यस टाइप कीजिएगा ओके जिसको भी मिल चुके हैं यहाँ यस टाइप कीजिएगा वेरी गुड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिल चुकी है नोट्स कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्या मैं लाइव 1.5 पॉइंट के स्पीड में देख सकता हूँ क्या अरे बेटा आज का पहला लेक्चर है मेरी तबीयत अभी अभी रिकवर हुई है <coughs> थोड़ा स्लो लग रहा होगा बट डोंट वरी यार आपको 1.5 पॉइंट मैंने मेरी स्पीड हो जाएगी 1.5 पॉइंट फाइव डोंट वरी ओके वन पॉइंट तो हो जाएगी ओके okay, तो आज थोड़ा स्लो लग रहा होगा बट डोंट वरी फॉर देट ठीक है चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिल चुकी होगी आने वाले एक दो दिन में मिल जाएगी नोट्स तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिल जाएगा बेटा आने वाले एक दो दिन में मिल जाएगा ठीक है सबसे पहले बात करते हैं हमारा आईडीटी में हाँ एक नोटबुक रखना 200 पेजेस का आ, थोड़ा जो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो स्क्रिबल नोट्स भी आपको बनाना है ओके okay, तो ये आपको मेरे साथ 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 में स्क्रिपल करना है और आपको भी लिखना है ओके okay, तो अगर 200 पेजेस का आपके पास नोटबुक होगा अभी तो ठीक है अदरवाइज़ अभी एक पेज पे लिख लो और उसके बाद वो में वो नोट्स में अटैच कर देना है आपको ठीक है ठीक है आपके जो भी टेक्निकल इशू है बेटा आखिरी में मैंने डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट फॉर्म दिया हुआ है टेक्निकल सपोर्ट फॉर्म वो वो फॉर्म फिलअप कीजिएगा कल दोपहर तक सॉर्ट आउट हो जाएगा ठीक है ठीक है सब तो चलिए हम बात करते हैं आईडीटी की आईडीटी में यहां पे सबसे पहले बात करेंगे मार्क्स अलोकेशन मार्क्स अलोकेशन आपके मार्क्स अलोकेशन कैसे होते हैं तो यस किसी को लिखना है तो जरूर लिख लें मार्क्स एलोकेशन आपका आईडीटी तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है जीएसटी उसके बाद में कस्टम्स और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक जो कंप्लीटली थेटिकल टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफ तो अगर हम बात करें जीएसटी की तो जीएसटी में दोस्तों यहाँ पे पांच एक्ट है ये तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है तभी मैं देखता हूं किसको किसको आता है ओके इंटर लेवल पे आपका बेसिक तो हुआ होगा और अच्छे से आपने कर लिया होगा ओके okay, तो लेकिन उसको ही हमको एडवांस लेवल पे फाइनल में पढ़ना है तो पहला एक्ट है सीजीएसटी एक्ट सीजीएसटी एक्ट सीजीएसटी मतलब 2017 सीजीएसटी मतलब सेंट्रल एंड क्या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 सेकेंड एक्ट है यहां पे एस जी एस टी थर्ड अगर हम बात करें तो आई जी एस टी आई जी एस टी एक्ट टू ओके फोर्थ अगर हम बात करें तो यूटीजीएसटी जी एस टी यू टी जी एस टी एक्ट टू एंड फिफ्थ है जी एस टी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस इसको शॉर्ट में मैं सेस एक्ट कहता हूं सेक्स एक्ट 2017 तो टोटल आपको जीएसटी के पांच एक्ट है लेकिन फाइनल लेवल पे हमको जो पढ़ना है डिटेल में हमको ये दो एक्ट डिटेल में पढ़ना है एक है सीजीएसटी एक्ट और दूसरा है आईजीएसटी एक्ट ये सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि बेटा ओके जीएसटी इवन दो स्टेट वाइज अलग अलग नाम दिए हैं बट ये यूनिफाइड लॉ है इसलिए हम कहते हैं वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट तो जो जीएसटी लॉ बना है वो सेंट्रल और स्टेट का सेम बना हुआ है इसलिए अगर आप सी जी पढ़ लेते हैं तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड स्टेट वर्ड टू वर्ड जो है स्टेट एक्ट सारे स्टेट्स के बने हुए हैं इसलिए आपको एच जी सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है साथ साथ में जो यूनियन टेरिटरी है यूटी जी एस टी होता है जैसे अगर आप स्टेट ऑफ राजस्थान में हो तो राजस्थान में आपको दो टैक्स लगते हैं सी और एस और अगर आपको यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ में हो अ निकोबार में है तो इंस्टेड ऑफ एस जीएसटी वहां पर आपको लगता है यूटीजीएसटी। ओके okay, तो ये यूटीजीएसटी एक्ट हमें अलग से नहीं पढ़ना है क्यों क्योंकि सी एक्ट अगर आपने पढ़ लिया तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आपने मोस्ट ऑफ द क्या एक्जैक्टली एस और यूटी एक्ट सेम है और GST Act, ये जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट है और अगर GST आने के बाद कोई states को नुकसान होता है तो उस states को नुकसान भरपाई जो होगी जिसके बारे में हम आगे आगे थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे ओके जब हमारा चैप्टर वन स्टार्ट होगा तो हमें डिटेल में दो एक्ट पढ़ने हैं सी जीएसटी और आई जीएसटी एक्ट और आई जीएसटी में स्पेशली प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन फोर्टीन ओके तो ये हमको डिटेल में पढ़ने हैं। so, दोस्तों जीएसटी के लिए जो आपको, yes, आपको मार्क्स मतलब, रखा हुआ है यहां पे अगर हम कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स के लिए उन्होंने रखे 15 मार्क्स अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्क्स के हिसाब से जो है कस्टम्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है ओके okay, और आप अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेते हो तो और उसमें तो और ज़्यादा दिया हुआ है जबकि उसको 15 मार्क्स है तो यहाँ कस्टम्स कैसे पढ़ना चाहिए सो दैट हम कस्टम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके इसकी भी स्ट्रेटजी पे हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉरन ट्रेड पॉलिसी और फॉरन ट्रेड पॉलिसी जो दोस्तों यहाँ पे फाइव मार्क्स के लिए होता है फॉरन ट्रेड पॉलिसी आपको फाइव मार्क्स के लिए आता है सो so, दोस्तों ऐसे टोटल आपको जो है हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है एक बार फिर से अगर कोई स्टूडेंट से यहां लिख रहा होगा तो यहां पे मार्क्स का अलोकेशन जीएसटी जो है 80 मार्क्स के लिए है अगर आपने जीएसटी बहुत अच्छे से कर लिया कि आउट ऑफ 80 हमें 70 लेना ही है भाई साहब 80 में से 70 अगर आप ले रहे हो तो वैसे आप 60 अबाव चले गए एग्जामेशन के ऊपर चले गए पर हमारा टारगेट यहाँ सिक्सटी नहीं है हमारा टारगेट इस बार अस्सी पार इसके नीचे आपको सोचना नहीं है तो दोस्तों यहां पे एटी मार्क्स का जीएसटी आपको रखा हुआ है नाउ अब आपका एक सवाल आ सकता है और वो सवाल होगा ड्यूरेशन सर ड्यूरेशन क्या होगा ड्यूरेशन दोस्तों यहां दो फॉर्म में हो गए एक क्या होता है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स और दूसरा जो है नंबर ऑफ आवर्स तो मैं ड्यूरेशन आपको जो नंबर ऑफ आवर्स में दूंगा हमारा पूरा सिलेबस जो है यहां ओके जीएसटी कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये तीनों भी हमारा 150 फिफ्टी आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा हाँ वन फिफ्टी आवर्स में कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा लेकिन मैंने इस बार जो है पेपर फाइव एज वेल एज पेपर सिक्स दोनों को कंसिडर करते हुए ट्वेंटी फाइव ईवर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन बिटवीन टॉपिक वाइज डाले हुए हैं तो ऐसे जो है हमारा पूरा सेवेंटी फाइव आवर्स का होगा तो आ, यहाँ पे 150 फिफ्टी आवर्स में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे ट्वेंटी फाइव ईवर्स में आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे हर कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके डाले हुए हैं तो डेफिनेटली हमारा जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन के हिसाब से भी कॉन्सेप्ट ते प्रति ही हमारी बहुत अच्छी रिविजन हो जाएगी नाउ ओके okay, यहां पे जहां तक बात करें तो टोटल 150 फिफ्टी अवर्स है और प्लस ट्वेंटी फाइव आवर्स तो मैं इसको जो है यहाँ पे वन सेवेंटी फाइव आवर्स का यहाँ पे कोर्स कहूँगा क्योंकि क्वेश्चंस इन बिटवीन ही हमें सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करना है पेपर सिक्स से रिलेटेड जो भी जीएसटी वाला पोर्शन है क्योंकि पेपर सिक्स में बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ होती है उसमें जो जी वाला पोर्शन है वो मैंने अलग निकाल के उसके केसेस बनाई है ओके okay, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे तो इस तरह से टोटल वन सेवेंटी आवर्स हो जाएगा तो इसमें टोटल हमारा ओके वन आवर्स जो है ये जीएसटी के लिए जाएगा और फॉरन टेड पॉलिसी यहाँ पे ये और कस्टम्स ये थर्टी फाइव आवर्स जो है यानी कस्टम्स और फॉरन टड पॉलिसी हमारा थर्टी फाइव आवर्स में ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह से प्लानिंग किया है मैंने वन सेवेंटी फाइव आवर्स हो सकता है उसके पहले भी हो जाए ओके okay. हो सकता है एक दो घंटे ज्यादा भी लगे पर कोशिश हम करेंगे कि 175 सेवनटी आवर्स के पहले ही हो जाए पर टोटल सिलेबस 175 सेवनटी आवर्स का मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन रखा हुआ है बेटा ये कंप्लीटली जस्टिफाइबल है क्योंकि यहाँ पे आ, आपको ग्रुप टू में जो है दो ही सब्जेक्ट मेन है आप डी टी और आई डी सिक्स नंबर का सब्जेक्ट तो वो है कि सारा कंसोलिडेटेड है तो आपका आई का ल, अ, लेवल जो है आ, अगर आप देखोगे तो टू से लेके तो लास्ट एग्जाम के पहले तक थोड़ा आईडीटी का पेपर एवरेज लेवल पे पूछा जाता था लेकिन लास्ट का पेपर देखोगे थोड़ा अच्छा स्किल लेवल पे पूछा गया है क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट भी जानती है कि ग्रुप टू में जो है दो ही सब्जेक्ट है और दो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे डी और आईडी तो अब जो उनका लेवल है अच्छा खासा उन्होंने बढ़ा दिया है साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अब जो क्या होता था जीएसटी लॉ पहले नया था तो पूछने के लिए ज्यादा यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं थे पूछने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी लेकिन अब बहुत अच्छा खासा डेवलप हो चुका है तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जहां इंस्टीट्यूट अच्छे से क्वेश्चन आपको पूछ सकती है इसलिए मैं ये कहूंगा कि इवन दो इंटर लेवल पर आपने जीएसटी किया होगा इवन दो ऑफिस में आपने जीएसटी किया होगा लेकिन बेटा यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो एक एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे ओके तो जो चैप्टर से इंटर लेवल पे हुए उसमें से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमें एडवांस लेवल पे पढ़ना है तो इस तरह से आपको आईडीटी एक वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना है ठीक है तो यहाँ पे ना तो ये ये बेटा आपके जो भी सजेशन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं आखिरी में लूंगा ओके आखिरी में लूँगा प्लीज थोड़ा अभी मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो ठीक है ना तो ये बात हुई हमारी ओके ड्यूरेशन कितना और हमारा यहाँ पे आ, मार्क्स एलोकेशन कैसे होगा अब दोस्तों मैंने जो यहाँ पे आ, प्लान किया हुआ है वो प्लान इस तरह से है कि हमारा ये जो कम्प्लीशन डेट होगी वो नवंबर एंड तक आपको यहाँ पे पूरा आई हम कंप्लीट कर लेंगे जिसमें ड्यूरेशन में मैं आपको ये बता दूँ कि डेली हमने डेढ़ से पौने दो घंटे का सेशन रखा हुआ है ये लेक्चर का पार्ट वन रहेगा और सेकेंड डे जो लेक्चर रहेगा वो पार्ट टू रहेगा ऐसा वो कंप्लीट एक लेक्चर जो है वो तीन घंटे का रहेगा लेकिन आपको पार्ट वन पार्ट टू में आएगा जैसे लेक्चर वन पार्ट वन लेक्चर वन पार्ट टू ऐसे अपलोड किया जाएगा और डेली बेसिस पे आपको ये लेक्चर्स जो है आते जाएंगे ठीक है तो अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए हम सारे लेक्चर्स मिला दें तो सिक्सटी uh, लेक्चर्स में यानी दो पार्ट के लेक्चर को एक पार्ट समझे कंप्लीट तीन घंटे का तीन सवा तीन घंटे का तो ये सिक्सटी लेक्चर्स के आसपास कंप्लीट हो जाना चाहिए लेकिन हम डेली जो है डेढ़ से पौने दो घंटा इस लेक्चर्स को ले रहे हैं uh, जिसका भी बेटा सॉफ्टवेयर में लैग हो रहा है ओके uh, जिसका भी सॉफ्टवेयर में लैग हो रहा है ओके uh, वो यहाँ पर यूट्यूब पे आ जाए और फिर सपोर्ट फॉर्म फिलअप कर दे चलिए तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू आपका आप मार्क्स अलोकेशन और ये किस तरह से होगा नाउ। अब आ, ये सिर्फ बात करेंगे कि लेक्चर कब अपलोड हो गए रिकॉर्डेड लेक्चर कब अपलोड हो गए इस बारे में बात करेंगे सेकंड आ जाते हैं आपका मटेरियल आपको मटेरियल कैसे मिलेगा बेटा सब सारी चीजें बताओगा थोड़ा आप पेशेंस से सुन लो मटेरियल कैसे मिलेगा आपको ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की जीएसटी का रेगुलर मैट सेकंड कस्टम्स का रेगुलर मैट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो जरूरत तो नहीं है कस्टम्स एंड एफ टी पी एंड एफ टी पी थर्ड अगर हम बात करें थर्ड अगर यहां पे बात करें बेटा तो यहां <coughs> आपको क्वेश्चन जिसमें जीएसटी के भी रहेगे और कस्टम्स एंड एफ के भी रहेगे और फोर्थ जो रहेगा चार्ट बुक चार्ट वर्कबुक चार्ट वर्कबुक ठीक वर्क है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो रेगुलर मैट है ये जो है ओके okay, तो ये रेगुलर मैट है आपको मिला होगा या मिल जाएगा आने वाले एक दो दिन में तो ये जो रेगुलर मैट है ये रेगुलर मैट जीएसटी के आपको दो बुक मिलेंगे और कस्टम्स का आपको एक बुक मिलेगा ओके okay, कस्टम्स का आपको एक बुक मिलेगा जिसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी इंक्लूडेड रहेगा क्वेश्चनअर की बात करें तो आपको जीएसटी के दो क्वेश्चन मिलेंगे और कस्टम्स और एफ का एक मिलेगा और चार्ट वर्कबुक जो है तो चार्ट बुक वर्कबुक आपको यहाँ पे जीएसटी जीएसटी की बात करें तो दो चार्ट वर्कबुक मिलेगी और कस्टम्स तो कस्टम्स का आपको एक कस्टम्स एंड एफ तो इसका आपको एक वर्कबुक मिलेगा तो इस तरह से आपको मटेरियल दिया जा रहा है हर मटेरियल का अपना स्पेशल इंपॉर्टेंस है ओके okay, किस तरह से आपको बता दो रेगुलर मैट ये जो रेगुलर मैट हमने बनाया है बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये रेगुलर मैट कम्प्लीटली हमारे इंस्टीट्यूट को बेस लेके ही बनाया गया है इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है ओके okay, उस मटेरियल को बेस लेके बनाया है मतलब एवरीथिंग थिंग वाट एवर कवर इन योर मटेरियल इंस्टीट्यूट मटेरियल मैंने इसमें कवर कर लिया है ओके okay, हाँ कुछ अगर मैंने छोड़ा होगा तो वो लेस इंपॉर्टेंट होगा ओके okay, पर 95 परसेंट मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया है अगर मैं मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताऊँ और मटेरियल भी बताऊगा तो ये बेस्ड ऑन अवर इंस्टीट्यूट मटेरियल है ओके okay, बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज मैनर में मैंने कवर किया है विथ हर पॉइंट को टाइटल्स दिया है सो so दैट कि आपको पढ़ने में आसानी हो और याद करने में आसानी हो कॉम्प्रहेंसिव नोट्स हैं उसके बाद में बहुत से जगह मैंने पिक्ट्रल प्रजेंटेशन से समझाया हुआ है और दिस नोट इज वेरी यूजफुल फॉर रिवीजन एज वेल एज फॉर रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट और मैंने क्वेश्चन तो हम बाद में देखेंगे इस बार की यूनिक फीचर है हमारे नोट्स में कि 200 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फाइव और पेपर सिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने लिए हुए हैं

अब आपका सवाल होगा कि सर कंसोलिडेटेड क्वेश्चन है क्या तो जब आप पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का देखते हो मैं अभी थोड़ी देर बाद पेपर स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई सप्लाई उसके बाद में डिमांड ऐसे कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट एक साथ डाले जाते हैं ओके okay, और आपको पूछा जाता है तो मैंने क्या किया मैंने ओके okay, जितने भी आरटीपी के बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर सिक्स की केस स्टडीज़ और ये फोर्टीन मार्क्स के क्वेश्चन या जो फाइव मार्क्स के कंसुलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को एग्जाम के क्वेश्चन आर के क्वेश्चन को मैंने ओके okay, सेग्रीगेट किया और वो क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैंने यहां पे हर टॉपिक के अंडर डाले इसका मतलब अगर हम ये 200 हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो आपको एग्जाम के क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चनर में हैं ओके आर टी पी क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चनर में है वो सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा ओके क्योंकि वहां से मैंने ओके रिलेटेड पोर्शन वाइज एक्सट्रैक्ट करके हर टॉपिक के अंडर में डिस्कस कर ली है तो जब ये क्वेश्चंस हम यहां कर लेंगे और इसके बाद जब आप एग्जामिनेशन या आरटीपी के क्वेश्चंस देखने जाओगे तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि जब वो सारे एक साथ कंसोलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी जाएंगे तो इस बार का यहाँ पे जो है ओके okay, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस लिया है उसके बाद में अब आपका एक सवाल होगा जैसे ओके okay, मैंने आपको ये बताया कि टोटल हंड्रेड मार्क्स का होता है तो ये हंड्रेड मार्क्स में ओके okay, आप सभी को बताया कि अब थर्टी मार्क्स के एम होते हैं थर्टी मार्क्स के एम होते हैं और यहाँ पे सेवेंटी मार्क्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं तो 70 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं अब दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पे ये मेरे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हो प्लस क्वेश्चन के क्वेश्चन तो एमसीक्यू आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे हां लेकिन मैंने एमसीक्यू जो है आपको सेपरेट बना के दिए जिसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर करता हो आपके लॉगिन में अब आपका सवाल होगा कि सर ये लॉगिन क्या है वेट स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताओगा तो आपके लॉगिन में जो है ओके okay, मैं एमसीक्यू का पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ तो सो so दैट कि आप जो वो एमसीक्यू कभी भी देख सकते हो सॉल्व कर सकते हो ट्राई कर सकते हो जिसकी हर एमसीक्यू की हिंट भी दिया है कि आंसर कैसे आया है जिसके बारे में ओके okay, हम आगे बात करेंगे तो दोस्तों यहां पे जो है मैंने इस बार आपके नोट्स में ये यूनिक फीचर डाला है प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके लिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स बनाए पर दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा जो क्लास लगा चुका है या जो लगाना चाहता है ओके या जो अपने फ्रेंड्स को रेफर करना चाहता है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि इसके बाद जब आप एग्जाम के क्वेश्चन या आप आर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको आई बहुत ईजी लगने लगेगा ओके और अब मैं क्या बताऊँ आपको जब ये यूनिक फीचर जब हम कौनसे पढ़ेंगे तभी देख लेना आपको आपको रियली really बहुत मजा आएगा तो चलिए ये हमने मटेरियल के बारे में बात, बात की तो रेगुलर मैट इट्स सेल्फ कवर टू हंड्रेड प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ पेपर फाइव एंड पेपर सिक्स तो आपका ऐसे दो मटेरियल जी एस टी के आएंगे कस्टम्स का आएगा कस्टम्स का और फॉर एन ट्रेड पॉलिसी उसका एक मटेरियल आपको एक मॉडल दिया जाएगा ओके चलिए अब ये रेगुलर मैट मैं थोड़ा आपको दिखा देना चाहूँगा जैसे ये चैप्टर वन है तो ये चैप्टर वन है तो ये चैप्टर वन में बेटा ओके जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी तो अगर हम बात करें तो पिक्टोरल प्रेजेंटेशन यूज़ किया है बहुत सा पॉइंट वाइज मैनर में टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे विद पिक्टोरल प्रेजेंटेशन और ये जो हाँ एक अच्छी बात आपको बताना चाहोगा और वो क्या तो देखो यहाँ पे जैसे ये सप्लाई चैप्टर है आप, आप तो थोड़ा बहुत सप्लाई चैप्टर से कनेक्टेड हो गई इंटर में पढ़ाई होगा जीएसटी ऑप्शन में नहीं छोड़ा होगा अरे नालाय को ऑप्शन में छोड़ा था क्या नालाय को मेरा पैर का वर्ड है ठीक है जैसा देखिए ये कॉन्सेप्ट है डेल क्रेडरी एजेंट ये मैंने ब्रेक करके लिया है फाइल ऐसा नहीं है ये मैंने मेरे आ, पढ़ाने के हिसाब से ब्रेक करके लिया हुआ है देखिए जैसे ये पॉइंट वाइज मैनर में ओके हर डेफिनेशन टेबुलर फॉर्म में मैंने दिया हुआ है अगर अब बात करें तो कॉन्सेप्ट में सर्कुलर भी ओके okay, यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज मैनर में मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम <coughs> में क्वेश्चन आया था या एग्ज़ाम में जो यहाँ पे बिग क्वेश्चन में पूछा गया था वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ओके okay, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है और उस डेल क्रेडरी एजेंट वाले पोर्शन में आपने क्या लिखना चाहिए वो पॉइंट्स इस क्वेश्चन में कवर किए मतलब अगर आप ये क्वेश्चन कर लो तो ये क्वेश्चन करने के बाद जब आप वो बड़ा क्वेश्चन करने जाओगे 14 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आरटीपी और एग्जाम का करने जाओगे तो रियली आपको बहुत ईजी लगने लगेगा तो यहां पर मैंने ये कवर किया है okay, ओके ये मैंने यहां कवर किया हुआ है तो इस तरह से आपको आपके पास नोट्स होगी तो आप देख सकते हो तो ये था हमारा रिगार्डिंग टू कि आपको जीएसटी रेगुलर मैट कैसे मिलने वाला है चले अब बात करते हैं क्वेश्चन की अब बेटा क्वेश्चन में क्या होगा क्वेश्चन अगर आप देखोगे जिसके बारे में मैं बताऊंगा भी क्वेश्चनअर अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चनअर आपकी क्वेश्चन बैंक है ये प्रैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें मैंने सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिए हुए क्वेश्चंस साथ साथ में आरटीपी क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन के एक बैंक बनाई है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन एयर ओके जो, जो यानी ये तुमने पढ़ लिया तो इसके बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो एग्जाम में और आपने ऐसा होगा कि पढ़ा नहीं ओके एवरीथिंग इज कवर्ड और क्वेश्चनर को इतना अच्छे से मैंने बायफर्गेट किया है टॉपिक वाइज बायफर्गेट किया है और अब इसके कुछ यूनिक फीचर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के दोस्तों क्वेश्चनर जो आपको मिलेगा जिसका एक जीनी बुक भी मैंने बनाया हुआ है ओके okay, तो ये जिनी स्मार्ट बुक जो है आपको कैसे मिलेगा क्या मिलेगा वो सब मैं आखिर में बताऊंगा पहले इसके फीचर समझ लो हाँ तो अब ये समझ लो ये जो जिनी बुक की लिंक आपको आपके लॉगिन में दी जाएगी अब समझ लो ये जो क्वेश्चन एयर है और क्वेश्चन एयर में यहाँ पे पहला चैप्टर क्लिक कर रहा हूं मैं यहाँ पे ये मैंने पहला चैप्टर क्लिक कर लिया और ये डिजिटल बुक जिसे मैं जिनी बुक कहता हूँ सर आप जिनी बुक क्यों कह रहे हो इसको बार बार जिसके बात करेंगे तो ये डिजिटल बुक क्वेश्चन की समझ लो आपको दी जा रही है और जिसमें अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन दिए हैं ओके कितने क्वेश्चंस मैंने कवर किए वो भी मैंने यहाँ कवर किया है साथ साथ में अगर ये थोड़ा जूम नहीं हो रहा है लेकिन मैं ओके आपको सेकंड कॉपी ओपन करके जूम करके बता दूंगा और साथ साथ में हमारे मटेरियल में कितने कवर्ड है आरटीपी के कितने क्वेश्चन है एग्जामिनेशन कितने क्वेश्चन है ये चैप्टर के और नेक्स्ट अदर जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे या मैंने बनाए हैं टॉपिक वाइज वो भी मैंने कवर किए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो पहले टॉपिक का टाइटल दिया हुआ है और क्वेश्चन में मैंने एट डिजिट यूज़ किया हुआ है अब ये एट डिजिट क्या है आपको बताना चाहूंगा ये जो एट डिजिट है समझ लो ज़ीरो वन टू ज़ीरो ओके सी सी पी यानी सेप्ट वाइज क्वेश्चन आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन जीरो वन सॉरी वन जीरो टू वन नाइन जीरो जीरो अब ये एट डिजिट कोड जिसे एच कोड कहते हैं वो मैंने यूज किया हुआ है ओके okay, अब ये एच कोड क्या रहता है कि अगर आप ये कोड डाउट पूछते वक्त कोड भेज दो तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जीरो वन इंडिकेट करता है आपका चैप्टर नंबर जीरो टू इंडिकेट करता है आपका यहाँ पे टॉपिक क्योंकि टॉपिक वाइज मैंने बाइफरगेट करके दिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर है तो चैप्टर वन का जीरो टू टॉपिक है नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट टू डिजिट्स जब कभी नए क्वेश्चन ऐड करने हो, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर अब कभी नहीं बदलेगे क्वेश्चन नंबर यही रहेगा अगर <coughs> इसके बाद मुझे कोई नया क्वेश्चन एग्जाम का ऐड करना हो ओके okay, उस टॉपिक का मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन ऐड करना हो सो so, दोस्तों मैं जो है यहाँ पे फिर ये डिजिट ऐड करता हूँ जीरो वन यानी इस ऐसा एक सिमिलर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया उसमें जीरो वन ऐड करता हूँ तो इस तरह से आपको जो है एट डिजिट कोडिंग सिस्टम तो एक बार मेरे साथ बोलिए फिर से ओके एट डिजिट कैसे पढ़ोगे ओके okay, तो पहला चैप्टर ओके okay, दूसरा टॉपिक uh, तीसरा आपका मेन क्वेश्चन नंबर ये रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ये मेन क्वेश्चन नंबर रहेगा तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन और उसमें अगर कुछ ऐड करना पड़ा तो लास्ट टू डिजिट यूज किए जाते हैं ओके okay, अगर आपको अच्छा लगा होगा ओके okay, तो यस लाइक कीजिएगा <laughs> या वाव लिखिएगा <laughs> चलो तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा क्वेश्चन है अब एक खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा जैसा टॉपिक का डिस्कशन हमारा हो जाएगा देखो ये क्वेश्चन यार की प्रैक्टिस जो है ना आपको डेली बेसिस पे मेरे साथ करनी पड़ेगी मैं मानता हूँ कि मॉर्निंग में आप डीटी का क्लास कर रहे हो दोपहर में ऑफिस है इवनिंग में आईडीटी है तो आईडीटी कुछ ज़्यादा हम ले नहीं रहे हैं ठीक है ठेके? तो इसके बाद आपको जैसे ही मैंने कहा कि आ, आ, मैं डेली आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा ओके और हमारे नोट्स में इस बार अच्छी बात क्या है वो भी बता देता हूँ ओके okay, मैंने क्या किया है कि हर टॉपिक क्वेश्चन यार के टॉपिक वाइज़ कौन कौन से क्वेश्चन आपको रेफर करने हैं ओके okay, इसमें नहीं आया इसमें नहीं आया लेकिन अगर आप नोट्स देखोगे तो मैंने वहाँ रेफर क्वेश्चन यार नंबर ओके रेफर मैंने जैसा ये टॉपिक है तो ये टॉपिक के नीचे मैंने लिख दिया है रेफर क्वेश्चन नंबर मतलब क्या है कि आज अगर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन का ये क्वेश्चन उसी दिन आपको क्लास होने के बाद कंप्लीट करना है ओके रेफर सो सारे मैंने यहां पे रेफरेंस दिए हैं रेफरेंसेस दिए हैं तो उसी दिन हाँ जो क्वेश्चन मैं आपको कहूँगी ये क्वेश्चन लिख के देखना है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चनर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमारे कवर हो जाएंगे जो मैंने इसमें क्वेश्चन कवर किए उसमें भी कवर हो जाएंगे लेकिन जो मैं क्वेश्चनर के स्पेशल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं तो वो उसी दिन आपको सॉल्व करके देखना है ये आपको होमवर्क करना है प्रॉमिस करो मेरे को प्रॉमिस करो मुझे प्रॉमिस करो प्रॉमिस का पी पी टाइप करो प्रॉमिस का पी टाइप करो तो आपका क्या हो जाएगा बेटा इससे रिलेटेड रेफरेंस क्वेश्चन भी मैंने ले लिए क्वेश्चन एन के प्लस मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो पेपर फाइव और पेपर सिक्स के हिसाब से मैंने लेना चाहिए इवन पेपर सिक्स के क्वेश्चंस भी कवर है इसके अंदर ओके तो यहाँ पे जो है ओके ये भी मैं कवर कर रहा हूँ ओके पेपर सिक्स के तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो गए और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जब पूछे वो आपको सॉल्व करके देखना है दोनों तरह से हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी सो so, इसीलिए बेटा मेरे 25 फाइव आवर्स एक्स्ट्रा है ये 25 फाइव आवर्स आपका रिजल्ट चेंज कर देगा रियली really कहता हूं मैं वन फिफ्टी आवर्स में कॉन्सेप्ट हो जाएंगे पर यह ट्वेंटी आवर्स आपको एटी प्लस लेके जाएगा आई विल एश्योर यू अगर मैं कहता हूँ वो डेली बेसिस पे आप करोगे तो ओके सो चलिए <coughs> दो मिनट है चलो हाँ तो अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको कहनी है कि आप जब पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त क्या हो जाता है कि आप समझ लो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो ये डिजिटल बुक की लिंक आपको फ्री है इसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे और आपके लॉगिन में रहेगी समझ लो आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग जा रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है और तब आप ये सोचते हो कि काश अगर सर होते और ये क्वेश्चन मुझे समझा देते तो कितना अच्छा होता तो कोई बात नहीं मैं आपके साथ हूँ ये डिजिटल बुक में आपको यहाँ पे क्लिक करना है जैसे आप प्ले वीडियो क्लिक करोगे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में वहाँ आ जाओगा तो ये डिजिटल बुक अरे देखो देखो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव तो ये डिजिटल बुक में मैंने हर सारे क्वेश्चन नहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ आप कंफ्यूज होते हो ओके वो मैंने रिकॉर्ड करके उसकी बैंक दे दी है तो भाई साहब मैं आपके साथ एग्ज़ाम तक हूं जब भी एग्ज़ाम तक कोई अगर डाउट क्वेश्चन आपको आता है तो आप बस वो वीडियो चला लो देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है और आपका तब के तब क्लियर हो जाएगा ओके okay, तो डेफिनेटली ये जो जिनी बुक है आपको हेल्प करेगी और ये तो डिजिटल लिंक है मतलब आप अपने मोबाइल में रख सकते हो आप अपने आईपैड में रख सकते हो आप ट्रैवलिंग में देख सकते हो यानी आपको कोई टॉपिक रिवाइज़ करना है ओके okay, तो आपको फिज़िकल बुक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है डिजिटल बुक ओपन कर लिया और डिजिटल बुक पढ़ रहे हो कहीं पे अगर मेरा वीडियो देखना है तो वहां वीडियो देख लिया तो लो कर लो बात ओके तो मजा आ गया ये रही ना जिनी बुक मैं इसलिए जिनी बुक कहता हूँ कि जब भी मुझे याद करोगे क्लिक कर दो मैं आपके सामने आ गया और उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओके उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हो तो इस तरह से झीनी बुक आपके सामने आ गई तो चलिए दोस्तों तो <coughs> ये डिजिटल डिजिटल बुक आपके लॉगिन में आपको शेयर कर, कर दी जाएगी तो ये था रिगार्डिंग टू क्वेश्चन है क्वेश्चन में ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चन आर टी पी के क्वेश्चन मॉकटेस्ट पेपर के क्वेश्चन हमारे मटेरियल के सारे क्वेश्चन और मैंने बनाए हुए क्वेश्चन पेपर सिक्स के क्वेश्चन ओके पेपर सिक्स के क्वेश्चन भी मैं आखिरी में डाल दूंगा ओके uh, जो मैंने बनाया है एक्सट्रैक्ट करके तो इस तरह से सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए भाई साहब सारे कवर कर लिए इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ओके okay. और इस बार अस्सी पार उसके नीचे सोचना नहीं है ऐसे जीएसटी के आपको दो मॉडल मिलेंगे कस्टम्स का आपको एक मॉडल मिलेगा अब आते हैं बेटा चार्ट वर्कबुक ये चार्ट वर्कबुक क्या है तो ये हमारा रेगुलर बुक हो गया चलिए ये हमारा क्वेश्चनर हो गया चलिए ओके अब ये है हमारा चार्ट वर्कबुक पहले मैं इसको चार्ट बुक कहता था लेकिन अब इसको चार्ट वर्कबुक कह रहा हूं क्या बात है सर आपने नाम क्यों चेंज कर दिया हाँ क्यों चेंज कर दिया तो इसके कुछ यूनिक फीचर समझो ओके इसके कुछ यूनिक फीचर को समझो ठीक है <laughs> तो यस अब ये जो चार्ट बुक है हाँ जैसा हमने क्या होता है आप जो नाला है क्या करते हो पता है क्या पहले तो अच्छे से पढ़ लेते हो जब क्लास चालू होता है मस्त रेगुलर बुक उठा लेते हो रेगुलर बुक मेरे साथ कंप्लीट कर लेते हो ओके फिर जब रिवाइज करने जाते हो तो क्या करते हो पता है क्या आप दस पेज पढ़ते हो फिर देखते हो अरे इतना सारा बात बाकी है इतनी बड़ी बुक होती है क्या ओके इतनी बड़ी बुक होती है क्या ओके ओके कम पेजेस की बुक होती है इतनी बड़ी फिर और दस पेजेस पढ़ते हो अरे इतना सारा बाकी है ओके नालायक कहीं के ओके तो इतना सारा बाकी है इतनी बड़ी बुक होती है क्या भाई साहब बुक को छोटा कर देते पूरा जी एस टी हंड्रेड पेजेस में खत्म कर देते हैं ओके तो आपको जो है यहाँ पे हाँ मैं वैसे कहूँ वैसे जीएसटी तो मैं खत्म कर सकता था 400 सौ पेजेस में लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं अराउंड 200 हंड्रेड क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसकी वजह से नंबर ऑफ पेजेस बढ़े पर इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन पेजेस नहीं ओके okay, वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है हैं uh, हाँ एक सवाल आया है <laughs> जो आपके फायदे के लिए सर ये जो डिजिटल बुक है क्वेश्चनर की इसके कुछ व्यूज है क्या नहीं ये ओपन बुक है इवन आपका आईटेम बदल गया तो आपको अपडेटेड मिल जाती है ओके okay, आपके लॉगिन में या फिर मैं जो अमेंडमेंट्स लेक्चर लेता हूँ तो उसमें वन स्टॉप लिंक में आ जाता है सब कुछ अपडेटेड आ जाता है तो डोंट वरी तो <coughs> यहाँ पे आ, जैसे यहाँ ये जो चार्ट बुक है ये चार्ट बुक का स्पेशल फीचर क्या है अब चार्ट बुक जैसे हमारा चैप्टर वन का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा ठीक है तो सारी चीजें बताओगे अब देखो बेटा इस चार्ट बुक में इस बार एक यूनिक फीचर मैंने और ऐड किया है और वो क्या इस चार्ट बुक में कहीं कहीं पे ब्लैंक स्पेस रखी हुई है और अभी आपको फर्स्ट पहले ही मैंने चार्ट बुक दे दिया है ब्लैंक स्पेस रखी है तो पढ़ाते वक्त कुछ चार्ट्स हैंड रिटर आपको मेरे साथ यहाँ कंप्लीट करने हैं जो मैं लिखवा के दूंगा यहाँ कंप्लीट करने हैं यूज पेंसिल वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर यहाँ पे क्योंकि क्यों uh, uh, वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो आपका चार्ट ख़राब नहीं होना चाहिए तो जहाँ तक है या पेन यूज़ कर रहे हो तो केयरफुल यूज़ करना चार्ट आपको कंप्लीट पहले स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा और बाद में आपको ड्रॉ करना है तो दोस्तों जहाँ तक देखा जाए तो ये चार्ट कंप्लीट करना है तो हर चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो जो आपको याद रखने हैं वो कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे और कम्प्लीट करेंगे अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होगी जैसे ही कंप्लीट तो हो गया तो बेसिक में जितना भी इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा वो एक पेज में खत्म वो एक पेज में खत्म ओके ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ओके चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन में सप्लाई जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ मैंने ब्लैंक रखा हुआ है और वहाँ आपको लिखना है और जैसे आप आपने कुछ आपने लिखा कुछ मैंने प्रिंटेड दिया और इस तरह से सेक्शन नाइन एक पेज में ख़त्म उसके बाद में सेक्शन से ओके सेक्शन सेवन सप्लाई ओके पूरा सप्लाई का चार्ट आपको लिखना है और ये सप्लाई का चार्ट ख़त्म यानी ओके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ इसमें पार्ट ऐसा है कि जो मैंने प्रिंटेड दिया है जो आपको लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है और जो पार्ट आपको लिख के देखना है वो चार्ट में हम यहाँ कवर कर लेंगे तो इस तरह से ओके okay, इस तरह से जहां तक देखा जाए तो ये दोनों पार्ट यानी चार्ट वाला पार्ट साथ साथ में ओके okay, ये हमारा हैंडराइटिंग वाला पार्ट दोनों कवर हो जाएगा और क्या करना तीसरा स्टेप इसको कैसे पढ़ना जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका लिख के प्लस मेरा प्रिंटेड तो एक बार पूरा चैप्टर सुनिएगा पूरा चैप्टर एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लेना तो तीन पेज में सर्कुलर के साथ आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा फटाफट और ओके मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें कवर रहेगी हाँ इन एडिशन टू दैट जब रेगुलर बुक आप पढ़ रहे हो रेगुलर बुक पढ़ते वक्त आपको ऐसा लग रहा कि हाँ ये भी कॉन्सेप्ट इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में कवर कर लेना चाहिए तो आपने एक पेज पे लिखने का और चार्ट के साथ स्टेपल कर देना यानी ये चार्ट आपका अब रिवीजन के लिए बेस्ड बुक बन जाना चाहिए इवन मैं आपको यह कहूंगा कि क्वेश्चनियर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो रेफरेंट क्वेश्चन भी चार्ट में लिख लेना आपने ओके सो दैट कि जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन के लिए लोगे तो ये चार्ट जो है पूरा चैप्टर एक साथ आपका कवर रहेगा और चैप्टर के साथ साथ दोस्तों वहीं उसके रेफरेंस क्वेश्चन क्वेश्चनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कुछ आपको लग रहा है कि रेगुलर बुक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने चाहिए तो इस चार्ट बुक में आपने लिख लिए तो इस इस तरह से आप मेरे साथ ये चार्ट कंप्लीट करोगे और ये चार्ट वर्ड बुक आपका एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगा फॉर रिवीजन क्योंकि क्या होता है कि ये बुक जो पढ़ने के बाद मैं मानता हूं ये बात ये, इस बात को कि एग्जाम के एक महीने पहले इतना बड़ा बुक रिवाइज करना क्वेश्चन रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो ऐसा कुछ मटेरियल हमारे पास चाहिए कि जो हमें जो यहाँ पे फास्ट रिवाइज कर सके और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े रेगुलर बुक के वो कवर कर सके तो दोस्तों यस ये चार्ट बुक डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी और आपने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पार्ट प्लस मैंने कुछ प्रिंटेड दिया हुआ ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन में आपको ये चार्ट बुक अपनी सी लगेगी और पूरा अच्छे से आपको ओके okay, फास्ट में रिवाइज करवाएगी और रिटेन भी करवाएगी कॉन्सेप्ट ओके okay, तो ये था रिगार्डिंग टू ये चार्ट वर्कबुक शीट तो चलिए ये कॉन्सेप्ट कैसा ये पहली बार यूनिक फीचर मैंने ऐड किया है ओके हैंड रिटर्न प्लस प्रिंटेड ये आपको कैसा लगा ये अगर अच्छा लगा होगा तो यस एक एब्रीवेशन टाइप कीजिएगा वाव का डब्ल्यू ठीक है वेरी गुड तो यह आपको मेरे साथ कंप्लीट करना है चार्ट को चलिए तो क्या बात है जो यूट्यूब पे आपको कैसा लग रहा है यस uh, yes, बेटा एमसी की बुक अवेलेबल होगी आपको पीडीएफ कॉपी आपके लॉग में दी जाएगी डैन चलिए तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा चार्ट वर्कबुक तो 100 पेजेस में पूरा जीएसटी हो जाएगा और अराउंड 25-30 पेजेस में पूरा कस्टम्स हो जाएगा इंक्लूडिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चलो और आपको ये मटेरियल अच्छा लगा होगा क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारे यूनिक फीचर ऐड किए मटेरियल में तो ओके okay, फटाफट लाइक जरूर कीजिएगा यूट्यूब से कनेक्टेड हो गए तो और ये क्या कर रहे हो फटाफट लाइक करो यार ठीक है <laughs> चलो तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा चार्ट बुक किधर गया भाई साहब हाँ जिसमें जीएसटी और कस्टम फॉरेंटेड पॉलिस का भाई आपको दिया जाएगा अब मैं आपको ये कह दूँ कि मटेरियल जो है जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे यूनिक फीचर मैं ऐड कर रहा हूँ और आपका जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है सारी अमेंडमेंट्स भी मुझे करना है मे ट्वेंटी फाइव के हिसाब से कवर तो ऐसे केस में मटेरियल आपको तीन शिपमेंट में डिस्पैच होगा तीन शिपमेंट में डिस्पैच होगा पहली शिपमेंट में आपको जीएसटी का मॉडल वन क्वेश्चनर का मॉडल वन और चार्ट बुक मॉडल वन मिला है ओके okay, चार्ट वर्क बुक मॉडल वन मिला हुआ है दूसरी शिपमेंट आपको जो है यहाँ पे जी एस टी हाँ सुनिएगा जी का मॉडल टू क्वेश्चनर का मॉड्यूल टू और चार्ट बुक और साथ साथ में कस्टम्स पहले मैं कस्टम्स का आपको भेज दूंगा कस्टम्स का रेडी हो रहा है तो कस्टम्स का भेज दूंगा तो कस्टम्स जो है कस्टम्स का भी वही कस्टम्स का एक बुक दूसरा शिपमेंट का क्वेश्चन एयर और साथ साथ में उसका चार्ट वर्क बुक कस्टम्स का आपको मिल जाएगा और तीसरा आपको अमेंडमेंट्स को कवर करते हुए जीएसटी का मॉड्यूल टू क्वेश्चन एयर का मॉड्यूल टू और चार्ट बुक टू ऐसा आपको दे दिया जाएगा चलिए ना ये तो हमने देखा ऐसे तीन शिपमेंट आपको आएगी और जो स्टूडेंट्स एक दो महीने बाद खरीदेंगे तो उनको तो एक साथ सारी शिपमेंट आ जाएगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं जाएगी अब बात करते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड अब बात करते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड ठीक है तो दोस्तों अमेंडमेंट अगर आपका मे ट्वेंटी फाइव अटेम्प्ट होगा और नवंबर ट्वेंटी फाइव अटेम्प्ट होगा ट्वेंटी फाइव अटेम्प्ट होगा ठीक है अब मई 25 फाइव आपका अटेम्प्ट होगा आपका पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये बताइए कि क्या ये बैच जो है वो दोनों अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल है यस दोनों मई और नवंबर ओके दोनों के लिए क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2024 आपको जो है दोनों अटैम्प के लिए अप्लीकेबल होता है मई ट्वेंटी फाइव या नवंबर ट्वेंटी फाइव अब देखो आपको मई ट्वेंटी फाइव के लिए अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है अप टू थर्टी फर्स्ट 24 ट्वेंटी फोर तक की और आपको नवंबर ट्वेंटी फाइव के लिए अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है अप अपटू हा अप थर्टी एट अप्रैल ट्वेंटी फोर अप टू थर्टी एथ अप्रैल ट्वेंटी फोर अब देखो इसमें क्या है <coughs> जो मई ट्वेंटी फाइव के लिए अपीय होने वाला है तो इसमें मैं सारी अमेंडमेंट्स कवर करने वाला हूं हमारा जो बैच है ऑल अमेंडमेंट्स इसमें कवर होगी आपको सेपरेटली कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे कोर्स के साथ सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी ओके okay. सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी ठीक है तो आपको सेपरेट कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है तभी भी मैं एक रिकमेंडेशन आपको देता हूं एग्जाम के ढाई uh, महीने पहले जैसे इंस्टीट्यूट की स्टेचूटरी अपडेट्स आ जाती है तो मेरा एक अमेंडमेंट लेक्चर आता है एक दो लेक्चर होता है इवन दो बुक में मैंने सारी अमेंडमेंट्स कवर कर ली लेकिन वो अमेंडमेंट लेक्चर स्पीड में आपने देख लेना चाहिए क्योंकि क्या होता है अमेंडमेंट्स बुक में अलग अलग प्लेसेस पे होती है तो कभी ध्यान होता है नहीं होता है क्योंकि वो स्कैटर्ड होती है लेकिन अमेंडमेंट बुक अगर आपके पास रही क्योंकि उसका पी भी शेयर होता है तो अमेंडमेंट बुक आपके पास रही या अमेंडमेंट लेक्चर आपने देख लिया तो आप पूरा फोकस अमेंडमेंट पे होता है और सारी अमेंडमेंट्स आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाती है और आपको रिकॉल भी हो जाती है और इसका फायदा ये होता है कि हर एग्जाम में अमेंडमेंट पे टेन मार्क्स का आता है फाइव टू टेन मार्क्स का आता है तो आपने अगर सारी अमेंडमेंट एक साथ पढ़ ली और वो कलेक्टेड एक जगह आपके पास है तो आपको एग्जाम में उसका बहुत हेल्प होता है इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि चलो आपको वीडियो नहीं भी देखना हो तो भी नोट्स तो भी डाउनलोड कर लाना तो एक साथ सारी अमेंडमेंट्स आपके पास एक ही जगह कलेक्ट होकर हो जाएगी ना अब बात करते हैं नवंबर 25 एग्जाम के लिए ओके तो मैं आपको ये कह दूँ जो भी नवंबर 25 के लिए अपीड होने वाला है तो अमेंडमेंट्स क्या होगी क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2024 ही आपको अप्लीकेबल है ओके okay, तो अमेंडमेंट्स जो होती है जैसा सेम फाइनेंस एक्ट अगर हम बात करें ओके okay, तो अगर हम बात करें तो फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी इसको भी अप्लीकेबल है और इसको भी फाइनेंस एक्ट 2024 ही अप्लीकेबल है हाँ तो फिर यह अपू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर क्या होता है ओके नोटिफिकेशंस नोटिफिकेशंस सर्कुलर्स नोटिफिकेशन सर्कुलर्स ओके तो ये जो होते हैं ये अप टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक के होते हैं ठीक है कोई प्रेस रिलीज हुई तो प्रेस रिलीज थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक के होते हैं रूल्स की अमेंडमेंट्स थ्रू नोटिफिकेशन होती है तो वो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक की होती है वो मैं कवर कर लूंगा आपके नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है जो यहाँ पे नवंबर ट्वेंटी फाइव एग्जाम के लिए या अगर आप सी एम कर रहे हो तो डिसम्बर ट्वेंटी फाइव एग्जाम के लिए अपेड होने वाले हो तो आपको जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स अपलिकेबल होते हैं वो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आपको थर्टीथ अप्रैल तक के अपलिकेबल होते हैं थर्टीथ अप्रैल ट्वेंटी सॉरी थर्टी अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक के अप्लीकेबल होते हैं तो आपको फाइनेंस एक्ट तो सेम रहेगा तो आपको एडिशनल क्या पढ़ना है आपको एडिशनल यहां पे पढ़ना है सिर्फ नोटिफिकेशन और सर्कुलर तो ये जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स होते हैं इसके दो से तीन लेक्चर्स होते हैं ओके okay, तीन लेक्चर्स होते हैं और दो से तीन लेक्चर्स जो है आपको करना पड़ेगा तो इसमें कोई एक्ट नहीं बदल रहा है फाइनेंस एक्ट वही है नोटिफिकेशन से, से, और सर्कुलर ए क्लैरिफिकेशन से रूल्स क्लैरिफिकेशन से ओके जो एडिशनल होता है एग्जिस्टिंग को ज़्यादा चेंज नहीं करता है वो डिस्टर्ब नहीं करता है, एडिशनल होता है तो ये अमेंडमेंट पढ़ना आपके लिए आसान है इसलिए आपका कोई फ्रेंड जो यहाँ पे नवंबर के लिए एपियड होना चाहता है वो भी ये बैच लगा सकता है आ, तो उसका मतलब यहाँ पे एक रीजनेबल टाइम के पहले आई डी खत्म हो जाएगा ओके okay. और दो से तीन लेक्चर्स जो है ये आपको एग्जाम के ढाई महीने पहले इंस्टीट्यूट की स्टैट्यूटरी अपडेट्स यानी अगर आप नवंबर के लिए अपीयर हो रहे हैं तो मिड ऑफ अगस्त तक आपको ये अमेंडमेंट्स आ जाती है मिड ऑफ अगस्त 25 तक आपको ये अमेंडमेंट्स दे दी जाएगी जो मेरे YouTube चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे मिल जाएगी तो आपने ये कर लेना दो-तीन लेक्चर्स जो एडिशनल क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन होते हैं और वो समझना आसान होता है ओके okay, ये समझ गया आप सभी को ठीक है ये समझ गया आपको चलो ये सबको क्लियर है जो नवंबर 25 के लिए है सबको क्लियर है मे 26 के लिए अभी मत लो मैं करूंगा मे 26 के लिए अभी मत लो ये सभी को क्लियर है बेटा चलो अब, अब बात करते हैं यहां पे अमेंडमेंट्स के बाद में सर पेपर फाइव जो हमारा आईडीटी का है एंड पेपर सिक्स तो इस बार पेपर सिक्स की अगर हम बात करें तो पेपर सिक्स में ट्वेंटी फाइव में आक, मार्क्स के आसपास अगर हम अलोकेशन करूं तो जीएसटी के क्वेश्चंस उसमें कंसोलिडेट किए गए थे तो मैंने इस बार क्या किया बताया क्या कि और अभी इंस्टीट्यूट ने जस्ट अभी दस दिन पहले कुछ फिफ्टी के स्टडीज़ दी है पेपर सिक्स के लिए तो फिफ्टी के स्टडीज़ में जी वाला पोर्शन मैंने उसके सेपरेट क्वेश्चन बनाए हाँ जीएसटी वाले पोर्शन के सेपरेट क्वेश्चंस बनाए और वो पोर्शन का मैंने यहाँ पे आ, जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम हमारे सिलेबस में कवर कर लेंगे जो मैंने 25 फाइव आवर्स एक्स्ट्रा कहे है उसमें हम कवर कर लेंगे यानी आपको पेपर सिक्स की अलग से जीएसटी वाले पोर्शन के लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है ये हमारे कोर्स और सिलेबस के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलो तो ये था पेपर फाइव और पेपर सिक्स से रिलेटेड अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारे डाउट्स कैसे कवर हो गए हमारे डाउट्स कैसे कवर हो गए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ओके okay, डाउट्स आते हैं और जीएसटी है तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जब भी ओके okay, कुछ भी कुछ भी दिमाग में आता है आपके और कुछ भी पूछ लेते हो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हो सो so, मैं ये कहूँगा कि देखो दो टाइप के डाउट है एक आपके दिमाग में आई हुई सिचुएशन कुछ भी आती है और कुछ भी पूछ लेते हो और एक जो रियली एग्जाम में पूछा जा सकता है तो दोनों टाइप के डाउट्स हम सॉल्व करेंगे लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डाउट जो है जो यहाँ पे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस पर एम्फसाइज करो आपके दिमाग में आने वाले डाउट भी हम सॉल्व करेंगे लेकिन मेरा सजेशन है कि सब्जेक्ट से कनेक्टेड डाउट जो है वो आप अगर पूछोगे तो आपको इमीजिएट जवाब मिल जाएगा चलिए दूसरा जब आप डाउट पूछोगे तो ऑडियो में पूछो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है टाइपिंग से ज़्यादा ऑडियो में तो मेरी टीम जो है उनको समझ में आता है कंप्लीटली ट्रेन टीम है ओके आठ चार्टेड अकाउंटेंट्स है जो यहाँ पे आपके डाउट एंटरटेन करते हैं और उसकी प्रोसेस क्या होती है डाउट एंटरटेन की उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो ये जो डाउट्स है ये डाउट्स आप ज़रूर पूछो जिस टाइप के भी डाउट्स आते हैं लेकिन डाउट पूछने का अलग अलग मीडिया आपके पास है कोई व्हाट्सएप पे पूछ लेता है नोट्स के नीचे जो नंबर दिया है कोई हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेता है कोई इंस्टा पे पूछता है तो क्या होता है बेटा डाउट स्कैटर्ड होते हैं और मैं सोशल मीडिया कम यूज़ करने वाला आदमी हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपके डाउट स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए इसलिए हमने एक ऐप बनाया है डाउट का और उस ऐप पर एट चार्टेड अकाउंटेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड uh, है जिसमें मैं आपको कह दूं कि सब मतलब मैं मेरे नीचे जो ओके okay, दो एक्सपर्ट जो मेरे साथ पिछले छः साल से है ओके ई वन ई टू और इनके नीचे बाकी के यहाँ पे सिक्स जी एस टी रिसर्च असिस्टेंट है ओके जी एस टी रिसर्च असिस्टेंट है तो अब क्या होता है आपका डाउट अब सुनिएगा आपका डाउट जो है जो भी आपने डाउट पूछा ये इनको जाता है ये भी लगभग तीन साल से मेरे अंडर में ट्रेंड है ओके okay, और यहाँ पे इनका भी नॉलेज बेटा नो डाउट बहुत अच्छे लेवल है। अगर इन इनको वो डाउट सॉल्व नहीं करता आता तो, तो एक्सपर्ट के पास जाता है अगर उनको नहीं तो वो मुझे इसी ऐप में मुझे फॉरवर्ड करते पूरा ऐप हमने सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है और इसी ऐप में जो है वो हिरारकी में फॉरवर्ड होता है कभी कोई डाउट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लिख सकते हो फॉरवर्ड टू सर और वो डाउट मेरे पास आ जाता है आप हर डाउट के आंसर को स्टार रेटिंग भी दे सकते हो तो आप सेटिस्फाइड हो या ना हो या आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फॉरवर्ड टू सर करके तो वो डाउट मेरे पास फॉरवर्ड हो जाता है तो मैं आपको कहूँगा कि ये डाउट जो है ओके okay, आप ऐप में ही जो हमारा डाउट का ऐप है उसमें पूछे अब आपका सवाल होगा कि सर ये डाउट का ऐप कैसे होगा कहाँ मिलेगा कैसे हमने ये डाउट का ऐप इंस्टॉल करना चाहिए तो आप जब मोबाइल में सुनिएगा वी स्मार्ट का वी स्मार्ट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करते हो और आप उसमें रजिस्टर होते हो तो उसमें एक सेक्शन है जब वो ओपन होता है ऐप तो वहाँ पे क्वेश्चंस और के एक सेक्शन है उसमें ही आप क्लिक करके डाउट पूछ सकते हो चैप्टर वाइज प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है चलो इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है तो मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैसे बनेगा आगे बात करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको जो है उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वो लिंक से आप इंस्टॉल कीजिएगा और आप सवाल आपने क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पर जो डाउट स्पेसिफिकली सॉल्व करवाने आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे डाउट पूछने के बजाय या इंस्टाग्राम पे डाउट पूछने के बजाय आप ऐप से पूछोगे तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपको आंसर मिलेगा और हमारे पास कंप्लीट उसकी ट्रेल रहती है कि आपने पहले क्या पूछा था मैं मैं चेक करता हूं तो क्या दिया फिर आपने उसके ऊपर क्या सवाल पूछा तो ये कंप्लीट ट्रेल हमारे बहुत काम की होती है और जो फ्रिक्वेंटली आज डाउट्स होते हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं तो प्लीज आप ऐप में ही डाउट पूछेगा दूसरी बात यहां पे अगर आपने के okay, इंस्टा पे पूछा टेलीग्राम में पूछा या वो पे पूछा तो आपको आंसर मिल जाएगा पर उसके लिए टाइम भी लग सकता है उसके लिए हो सकता है दो, लगे, दो दिन लगे तीन दिन लगे ठीक है ठीक है तो ये था रिगार्डिंग टू डाउट्स अब आते हमारे टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम लिंक दोस्तों यहां पे एक होती है मेरी टेलीग्राम लिंक एक चैनल होता है पे आप ज्वाइन हो सकते हो जिसमें मेरी अपडेट्स मिलती है और एक स्पेसिफिकली आपके बैच की टेलीग्राम लिंक होती है अब आपके बैच की जो टेलीग्राम लिंक है ये टेलीग्राम लिंक आपको कहाँ मिलेगी तो आपके लॉगिन में मिलेगी और आपको ये टेलीग्राम लिंक जो है मस्ट 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 ज्वाइन करना है क्योंकि आपका और मेरा जरिया जो है दोस्तों यही है बात करने का आपको क्या इशू जा रहा है आपको आईटी टी रिलेटेड क्या इशू जा रहे हैं आपके कोई डाउट हो गए तो उस डाउट पे मैं आपको हो सकता है मैं जवाब दूं या फिर आपको मैं ओके ऐप की लिंक शेयर कर दूँ आपको मेरे साथ बात करनी है ओके जो भी कुछ जरिया होगा ये टेलीग्राम ग्रुप ही इस बैच का ओके जरिया होगा टू फाइव वन ओके ये टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है मैं बताऊंगा लिंक कैसे मिलेगी आपको और वो ही आपको ज्वाइन करना है ठीक है तो अब ये लॉग आपका कैसे यहाँ पे होगा तो मैं आपको बता दूँ आप लॉग में कैसे जाओगे आप वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम पे जाओगे जस्ट मेरे बेटा वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम पे जाने के बाद थोड़ा स्लो है चलो कोई बात नहीं यहां जो है आपका लॉगिन आपको ऑप्शन मिलेगा और मैं आपको ये बता दूं कि ये लॉगिन में जाने के बाद आपका रजिस्टर मेल आईडी आपने अगर हमारे वेबसाइट से बाय किया होगा तो आपका ऑलरेडी लॉगिन होगा आपने अगर हमारे असोसिएटेड पोर्टल से ज्वाइन किया होगा तो आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा तो आपको लॉगिन कैसे क्रिएट करना पड़ेगा आपने जो मेल आईडी पे कोर्स बाय किया था वो डाल के रिसेट पासवर्ड ऑप्शन मिलता है आपको वो रिसेट पासवर्ड करके पासवर्ड सेटअप कर दो और पासवर्ड सेटअप होने के बाद जो है ओके okay, आपका लॉगिन हमारे इसमें क्रिएट हो जाएगा पर आपको मेल आईडी ओरिजिनल यूज़ करना पड़ेगा तो ये आप लॉगिन में चले गए लॉगिन में जाने के बाद आपको आपका कोर्स दिखेगा ओके okay, इस तरह से आपको कोर्स दिखेगा ठीक है तो ये कोर्स आपको दिखेगा समझ लो ये कोर्स जो है यहाँ पे टू फाइव सी ए फाइनल आई डी टी रेगुलर टू फाइव वन ये कोर्स इसमें ऑर्डर ट्रैक कोर्स एक्टिवेशन उसके बाद में कोर्स कंटेंट अगर आप कोर्स एक्टिवेशन में जाओगे ओके तो कोर्स एक्टिवेशन में आपको ये ट्यूटोरियल जरूर देख लेना कि आपका एक्टिवेशन कैसा होगा प्लेयर सेटअप आपको करना आपके मोबाइल में या जो भी है इस तरह से प्लेयर सेटअप है वीडियो डाउनलोड लिंक वगैरह सब डिटेल्स यहाँ पे दी गई है एक एक डिटेल्स आपको यहाँ पे देख लेना है उसके बाद में नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोर्स कंटेंट अब ये कोर्स कंटेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है अब ये कोर्स कंटेंट में मैंने कोर्स मटेरियल वाला पार्ट में जाना है आपको अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को फिजिकल कॉपी आने को थोड़ा लेट हो सकता है किसी को तीन दिन में मिल गई किसी को चार दिन में मिल गई मैक्सिमम सेवन डेज में मिल जाता है पर तब तक तो वो रुकेगा नहीं उसको तो कोर्स चालू करना है तो ये कोर्स मटेरियल में मैंने एक लिंक अटैच की हुई है और ये कोर्स मटेरियल में आपको पहले तीन चैप्टर का पी दे दिया गया अगर आप देखोगे तो एम दे दिया गया है रेगुलर मेन मॉड्यूल का आपको पहले तीन चैप्टर का पी दे दिया गया है पहले तीन चैप्टर का आपको क्वेश्चन दे दिया गया है ओके okay. तो आप ये पीडीएफ यूज़ कर सकते हो जब तक आपकी फ़िज़िकल नोट्स नहीं आती है इसलिए अगर कोई स्टूडेंट्स को यहाँ पे फिज़िकल नोट्स नहीं मिली होगी तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप ये लॉग इन में क्रिएट कीजिएगा या लॉगिन में जाइएगा कोर्स कंटेंट में जाइएगा मटेरियल में सारा रिसोर्स मटेरियल मैंने आपको यहाँ पे दिया है तो रिसोर्स मटेरियल आपको यूज़ करना है जो सपोर्टिंग मटेरियल इवन चार्ट बुक भी मैंने दिया है तो ये सपोर्टिंग मटेरियल यहाँ से तब तक डाउनलोड करना है तब जब तक आपकी फिजिकल कॉपी आपको नहीं मिल जाती है ठीक है उसके बाद में इसमें जो दिया गया है स्टडी ग्रुप हाँ बेटा ये स्टडी ग्रुप में मैंने टेलीग्राम लिंक दी हुई है ओके okay, यहाँ से आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है एंड दैट शुड बी मैंडेटरी पार्ट पार्ट फॉर यू ओके यू मस्ट है और मेरा कॉम्युनिकेशन इसके आगे उस टेलीग्राम ग्रुप में होगा हो सकता है कर, कभी तबियत की वजह से एक आध दिन छुट्टी देना हो तो वो सारा कम्युनिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में होगा इज इट क्लियर येस और नो सबको क्लियर हुआ नहीं बेटा आईओ एस पे अवेलेबल नहीं है ऐप एंड्रॉयड पर ही अवेलेबल है ठीक है बेटा क्लास में मैं नोट्स नहीं लिखवाऊंगा क्लास में मैं चार्ट्स लिखवाऊंगा जो चार्ट्स का ब्लैंक स्पेस रखा हुआ है वो हम लिखवाएंगे ठीक है थीके? चलो अब यहां पे ये टेलीग्राम लिंक आपका लॉगिन कैसे क्रिएट करना है और आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और अभी क्लास के बाद फटाफट सभी ने ज्वाइन कर लेना उस टेलीग्राम लिंक को ठीक है डन हा अब आते हैं यहां पे इंस्टाग्राम इंस्टा लिंक तो बेटा इंस्टा लिंक आपको मेरी इंस्टालिंग सी ए विशाल भट्टड़ सी ए अंडरस्कोर विशाल अंडरस्कोर भट्ट वैसे सोशल मीडिया कम यूज़ किया करो सैटरडे संडे यूज़ किया करो पर इंस्टा पे अगर आप ज्वाइन होगे तो मैं Uh, कुछ केस स्टडीज़ जो है जो करंट इश्यूज़ जो है वो मैं इंस्टा पे उसकी छोटी-छोटी वीडियोस बना के देता हूँ जो आपको हेल्प करते हैं ओके सब्जेक्ट को समझने के लिए तो डेफिनेटली ये इंस्टा इंस्टॉलिंग आपको हेल्प करेगी तो यस uh, yes, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप इंस्टा uh, कभी कभी यूज़ करते हो ओके रेयरली यूज़ करते हो स्पेशली सैटरडे संडे तो आप ज्वाइन कर सकते हो बंद करके रखा हुआ इंस्टा अच्छी बात है बेटा तो ये सारे चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की तो हमने मार्क्स अलोकेशन ड्यूरेशन के बारे में बात किया मटेरियल के बारे में बात किया जो अभी मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे क्लास कर रहे हैं आपको तीन शिपमेंट्स आएगी जो एक दो महीने बाद क्लास लगाएगी तो उनको एक साथ आ जाएगी ओके okay, या दो शिपमेंट आएगी डिपेंड्स कि वो क्लास कब लगा रहे हैं उसके बाद में अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर लिया ओके okay, पेपर फाइव पेपर सिक्स के क्वेश्चन भी हम कवर करने वाले हैं डाउट्स भी कवर करने वाले हैं और एम बुक जो है बुकलेट आपको पी में आपके लॉग में आपको दिया जाएगा हाँ अब सर हम एम कैसे कवर करेंगे सो so, मैं टेस्ट लूँगा बेटा और इस टेस्ट में हमारा समझ लो हर टेस्ट जो है हमारा दो घंटे का टेस्ट होगा और अराउंड ओके सिक्सटी टू सेवेंटी मार्क्स का होगा इसमें सिक्सटी टू सेवेंटी मार्क्स का जो टेस्ट होगा दो तीन टॉपिक होने के बाद इसमें ओके okay, यहाँ पे सेवेंटी परसेंट एम में मैं पूछूंगा और थर्टी परसेंट मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछूंगा एम सी क्यू की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये टेस्ट आपके साथ डिस्कशन करूंगा मतलब इसका डिस्कशन वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा सो so दैट आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लेना तो ये टेस्ट जो होगी आपकी जिसमें मैं अच्छे अच्छे एम सी क्यू जो मैंने बुकलेट में दिए वो टेस्ट में ही आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा यानी हमारे एम सी क्यू का डिस्कशन टेस्ट फॉर्म में कवर हो जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम कवर कर लेंगे तो भाई साहब ओके okay, ये रेगुलर डिस्कशन भी हमारा रेगुलर मैट से हो गया ओके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको मेरे साथ सॉल्व करना है क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करके आपको सॉल्व करना है डेली होमवर्क रहेगा ओके चार्ट बुक में आप लिखोगे और चैप्टर कॉम्प्रेंसिवली कवर करोगे रिविजन के लिए ओके okay, साथ साथ में एम सी क्यू में आपका टेस्ट में कवर कर लूँगा और मेरी जीनी बुक आपको मिल जाएगी अब इतना सब कुछ आपको मिलने के बाद क्यों नहीं हमारा इस बार अस्सी पार होगा डेफिनेटली ओके okay, अस्सी पार हमारा होगा ही होगा तो इस तरह से दोस्तों मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है आई होप हाँ जीनी बुक भी आपको लॉग में मिल जाएगी जो अभी मैंने मटेरियल कंटेंट का लॉगिंग बताया वो मटेरियल कंटेंट में आपको सारी चीजें मिल जाएगी सारी चीजें मिल जाएगी डोंट वरी जीनी बुक अभी अपडेशन में है ओके okay, पर सारी चीजें आपको मटेरियल कंटेंट में मिल जाएगी चलिए अब लास्ट एक क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर हमारा क्लास सेवन डेज रहेगा क्या यस yes, हमारा क्लास सेवन डेज रहेगा ओके सेवन डेज हमारा क्लास रहेगा ठीक है और ये सेवन डेज क्लास में ओके okay, संडे को हमारा मॉर्निंग में तीन घंटा क्योंकि हमारा क्लास डिले हुआ है तो मुझे कवर करना है तो मॉर्निंग में तीन घंटा और इवनिंग में भी होगा क्योंकि संडे का आपका जनरली ड्यूटी नहीं होगा तो मॉर्निंग में तीन घंटा होगा और इवनिंग में हमारा रेगुलर टाइम होगा तो सेवन डेज़ क्लास चलेगा अगर कोई छुट्टी कोई जेनवइन केसेस में आई तो आ सकती है पर संडे को भी क्लास रहेगा मैं पहले ही कह रहा हूँ सेवन डेज क्लास रहेगा जो भी स्टूडेंट को मेरे साथ फिर संडे को नहीं करना है तो वो फिर रिकॉर्डेड देख ले ओके जिसको मेरे साथ मेरे डिसिप्लिन सा, में लाइव सेशन करना है वो मेरे साथ लाइव सेशन करें ओके यस और नो yes no? हाँ 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 अरे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है बेटा हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस अरे वो कैपिटल लेटर में लिखना रहा तो कभी कोई वर्ड चले हो, हो जाता है तो चलिए बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस स्पेलिंग गलत था हाँ <laughs> तो चलिए तो आ, ये जो था यहाँ पे <coughs> एक आधा संडे छुट्टी रहेगी लेकिन बेटा हमको सिलेबस फटाफट पट कवर करना है ठीक है अगर हाँ अब आपका कह रहा होगा कि डेट ऑफ कंप्लीशन बैच डेट कैसे होगी अब डेट ऑफ कंप्लीशन देखो <coughs> अब थोड़ा मैं एग्जॉस्ट भी हो गया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी आप सबको पता है हाँ तो हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन जो रहेगा बैच का <coughs> वो नवंबर एंड तक बैच कंप्लीट हो जाएगी जिसमें जीएसटी एटी मार्क्स का जीएसटी एटी मार्क्स का एवरी सेशन हमारा जो है यहाँ फ्रेश रिकॉर्ड होके लाइव रहेगा कस्टम्स जो है बेटा कस्टम्स में कोई चेंजेस नहीं है कोई अमेंडमेंट नहीं है ओके okay, तो कस्टम्स आपको जो है ये रिकॉर्डेड मिलेगा पंद्रह मार्क का जो कस्टम्स है ये रिकॉर्डेड मिलेगा ठीक है और ये जो है मैं आपको जीएसटी का एक पंद्रह बीस लेक्चर होने के बाद इसकी बुक्स इसका मटेरियल ओके okay, और ये सेशन दे दूंगा तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कस्टम्स कभी भी देख सकते हो ठीक है कस्टम्स तो इस तरह से 80 मार्क्स का जीएसटी जो हम कंप्लीट हमारे डिस्कशन में कवर करेंगे और कस्टम्स जो है आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी अमेंडमेंट और कोई भी चेंजेस नहीं है 15 मार्क्स के लिए ठीक है तो इस तरह से आपका नवंबर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा डन हाँ हाँ कस्टम्स में आपको जैसा देखना है वैसा आप देख सकते हो और मैं ट्वेंटी डेज़ के बाद कस्टम्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जैसा आपको देखना है कस्टम्स के लेक्चर्स जो रहेंगे यहाँ पे अराउंड ट्वेल्व टू थर्टीन लेक्चर्स रहेंगे कस्टम्स के ठीक है संडे का टाइमिंग मैं आपको लाइव सेशन में जो करना जिसको भी करना है तो मैं संडे का टाइमिंग आपको सैटरडे को बता दूंगा कि क्या रहेगा टाइमिंग हमारा जो लाइव सेशन में कनेक्टेड रहेगा अब लास्ट सर जो लेक्चर हो गए जैसे रोज़ हमारा लेक्चर 8:15 से यहाँ पे 10 ओ तक चलेगा ये लेक्चर नेक्स्ट डे 12 से 1 बजे तक ओके अपलोड किए जाएंगे हाँ क्योंकि रात को बेटा मेरी टीम होती नहीं एडिटिंग टीम तो वो सुबह जो है उनको नौ बजे मैंने बुलाया है तो वो एक दो घंटे में यहाँ पे लेक्चर को आ, इंक्रीव करके अपलोड करेंगे तो आपको बारह बजे या एक बजे तक लेक्चर मिल जाएगा सेकेंड डे फिर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेक्चर कर सकते हो सर संडे ऑफ कर दो सर इंटर में आईडीटी अच्छे से नहीं हुआ था दिक्कत तो नहीं होगी नहीं होगी बेटा मैं हूँ ना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सर संडे ऑफ कर दो देखते कभी कभी करेंगे पर प्लीज़ मेरी बात सुनो हम विद इन टाइम हमें कंप्लीट करना है तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि बीच में दिवाली की भी छुट्टी आएगी आपकी चलिए तो आई होप दोस्तों आ, आपको पूरी जानकारी मिल गई पहले पहले मुझे बताओ फिर आपके डाउट्स देता हूं आपको सारी जानकारी मिल गई है यस और नो सारी जानकारी मिल गई है हाँ सर सीएमए सीएमए का भी सिलेबस लगभग ये है पर उनमें मेरे ख्याल से जीएसटी सेवेंटी मार्क्स का है और कस्टम्स और एफ टी थर्टी मार्क्स का है ओके न्यू सिलेबस में एक बार न्यू सिलेबस में कन्फर्म कर लेता हूं लेकिन कंटेंट एक्जैक्टली सेम है सीएमए फाइनल में कंटेंट एक्जैक्टली सेम है ठीक है हाँ चलिए नहीं कस्टम्स वगैरह सी एम ए का भी एक्जैक्टली exactly सेम है सो so, दोस्तों एक मिनट एक मिनट आपके डाउट्स लेता हूँ पहले समझ लो पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सेशन सो so, दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट किया uh, आपको मैंने सारी जानकारी दी और मैं आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जी जो है बहुत अच्छा बहुत अच्छा यहाँ पर हम पढ़ेंगे और आपका वन ऑफ द वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा और डेफिनेटली इसमें हम अच्छा स्कोर करने का पूरा कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रैटर्जी बनाएंगे और पूरी पूरी तैयारी ऐसी करेंगे कि इस बार 80 पार उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है ठीक है तो दोस्तों मैं आपको एक बात और कह दूँ कि नेक्स्ट सेशन से हमारा अब चैप्टर वन स्टार्ट होगा जीएसटी हम पहले जीएसटी से स्टार्ट करेंगे बाद में कस्टम जैसे मैंने कहा कि आपको मैं दे दूंगा तो आपने कंफर्ट के हिसाब से पंद्रह बीस लेक्चर होने के बाद आपका कस्टम्स देख सकते हो कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी ठीक है तो यस दोस्तों आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं आ, इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा तो कमेंट्स में जो भी आ, आपके डाउट्स क्वेश्चन रहेंगे मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसके आंसर दे दूंगा अभी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बहुत वीकनेस था और अभी भी मेरे पैरों पे स्वेलिंग है आज का सेशन मैंने लिया लेकिन हमारा नेक्स्ट सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे फिर से मैं बता दूँ मंडे से स्टार्ट करेंगे ओके okay, हाँ Uh, मैं सबसे पहले दिल से आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे कोऑपरेट किया और कि हमारा जो क्लास है थोड़ा डिले चालू हुआ लेकिन हम मंडे से यानी आज सिक्सटीन है सेवनटीन एटीन नाइनटीन से नाइनटीन से हम हमारे रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे प्लीज़ इतना कोऑपरेट कर लेना तब तक मैं जो है आ, थोड़ा आ, वेल प्रिपेयर हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि मैं रिकवर भी हो जाऊंगा और थोड़ा हम सेशन अच्छे से भी स्टार्ट कर पाएंगे ठीक है तो नहीं मंडे से रखते हैं ना बेटा अब राखी है तो हमारा सेशन तो रात को है ना क्या दिक्कत है uh, अरे ऑनलाइन तो लेक्चर है यार पहला लेक्चर है क्या प्रॉब्लम है रात को सवा आठ बजे तब तक तो हो जाता है राखी का चलो ठीक है मंडे नहीं तो आ, समझ लेते हैं ओके राखी okay, है तो कोई बात नहीं पर आपको मैंने जैसा कहा संडे को कोऑपरेट करना पड़ेगा हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे ओके ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं ट्यूसडे 8:15 को 8:15 पीएम को में ट्वेंटी सिक्स वाला अभी मत करो नेक्स्ट बैच करो नहीं अभी सैटरडे संडे कोई सेशन नहीं रहेगा जो बाद में रिकॉर्डेड मोड में देखने वाला है वो भी अब नेक्स्ट सेशन उनको तीन दिन बाद मिलेगा तीन दिन बाद मिलेगा ठीक है तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा ठीक है तब तक बुक्स भी आ जाएगी सबके पास ओके नेक्स्ट सेशन लेक्चर जीरो वन पार्ट वन ठीक है मंडे को ले लो हाँ नहीं तो एक काम कर सकते हैं ना यार ओके okay, एक काम कर सकते हैं मंडे को यूट्यूब पे ले लेते हैं मैं आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया ओके <laughs> एक राय मुझे बहुत अच्छी लगी एक काम करते फाइनल 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 समझ लो मंडे को YouTube ट्यूब ले, ले लेते हैं यूट्यूब पे रहेगा ये यूट्यूब पे रहेगा आप ट्यूजडे को मॉर्निंग में देख लेना ये जैसे आपको कम्फर्ट टाइम मिले तब देख लेना ओके तो मंडे को ही लेते हैं मंडे को ही लेते हैं लास्ट मैं ये कहूँ कि हम लेक्चर मंडे को ही लेते हैं ओके okay, मंडे को ही लेते हैं और ये यूट्यूब पे रहेगा रिकॉर्डेड अब डेढ़ घंटे का लेक्चर है वो अगर किसी का एडजस्ट नहीं हो पाया तो बाद में देख सकता है तो ये मुझे आइडिया आपका अच्छा लगा तो लास्ट फाइनल मंडे को लेंगे ठीक है अब एक सवाल और आया है और वो ये कि सर जो लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे उनको 100 परसेंट बैकअप है क्या तो यस उनको 100 परसेंट बैकअप है और जो रिकॉर्डेड मोड में देखेगा उसको तो रिकॉर्डेड मोड में बाद में मिलेगा ही ठीक है अब बेटा मंडे से ही लेंगे दैट्स फाइनल डन चलिए यहां रुकते हैं थैंक यू सो मच आपने कोऑपरेट किया और uh, जो ओडीपीडी में देखने वाला है तो नेक्स्ट लेक्चर तीन दिन बाद अपलोड किया जाएगा ये लेक्चर तो यूट्यूब पे और कल मॉर्निंग में भी मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर तीन दिन बाद होगा तो मैं आ, आप सभी को दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे कोऑपरेट किया और आई हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन के रहेगा आई एश्योर यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू जिसको रिकॉर्डेड देखना है बेटा वो रिकॉर्डेड तो देख ही सकता है Okay, thank you so much.